मकान मालिक के बेटे ने महिला के साथ किया बलात्कार, शिकायत करने पर फोटो वायरल करने की दी धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से है, जहां पर एक किराए के मकान में महिला रह रही थी। मकान मालिक के बेटे ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। वही मकान मालिक के बेटे से परेशान होकर महिला ने फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में मकान मालिक के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जांच पड़ताल शुरू की। महिला ने मकान मालिक पर लगाया बलात्कार करने का आरोप। फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं कई सालों से एक किराए के मकान में रह रही थी। 15 अक्टूबर 2019 को मकान मालिक के बेटे ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर हमें पिला दिया, जिसके बाद हम बेहोश हो गए और इसी दरमियान मकान मालिक के बेटे ने हमारे साथ बलात्कार किया। बलात्कार की घटना के बाद मकान मालिक के बेटे ने हमारी कुछ अश्लील फोटो भी खींची और बाद में लगातार हमें रुपए के लिए ब्लैकमेल करने लगा। मकान मालिक के बेटे से परेशान होकर हमने अपना मकान बदल दिया। इसी दौरान 22 मई 2021 को मकान मालिक के बेटे ने हमारी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और फिर से मकान मालिक के बेटे ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर से फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिससे परेशान होकर हमने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी ने पीड़ित महिला से मुलाकात की है। महिला के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा और जनपद के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने पीड़ित महिला से मुलाकात की, वहीं उसकी परेशानियों को भी सुना। इस दौरान एसएसपी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। प्रकरण ये है कि महिला की ये कहना है कि 2019 में जिस मकान में रहती थी वहाँ पे मकान मालिक के लड़के द्वारा छेड़खानी की गई, उसके बाद बलात्कार किया गया। फिर दोबारा 22 मई को पुनः वही घटना रिपीट हुई, जब उसने मकान बदल दिया, उसके बाद ही पुनः ये घटना हुई है। उस संबंध में तहरीर दिया है कि मेरे हस्बैंड को कोई फ़ोटो वगैरह वायरल करके इसने दिया है, जैसा कि अभी इसका कहना है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 376 और 506 का, साथ में आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है। आगे जांच की जा रही है, मौका देखने आया था। जो भी चीज़ें तथ्य निकल के आएंगे मेडिकल कराया जाएगा, जो तथ्य निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई।